सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो अपने डेट्रेक्स भाई हैं वो पुलिस वालों से बच के वहाँ से अपने आइलैंड पे आ रहे थे, तो उनको हमने थोड़े दिन अंडरग्राउंड रखा है यहाँ पे। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल देखो, अपने डेट्रेक्स भाई जो है अपने गाड़ी की छत पे लेटे पड़े हैं, फुल मजे कर रहे हैं। क्या हाल चाल जेम्स भाई? अरे भाई एकदम बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? मैं तो बढ़िया यार। लिटरली यार, मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था ना कि शहर में सब तरफ मेरे पोस्टर लगे हुए हैं कि डेट्रेक्स कहाँ है, कहाँ है डेट्रेक्स। भाई आप टेंशन मत लो, जब तक हमारे आइलैंड पे यहाँ पे कोई भी आपको छू नहीं सकता है। थैंक्स भाई, लिटरली यार इन्हीं के आइलैंड में मैं इतने दिन से हूँ। एंड कपड़े जूते जो देख रहे हो सब इन्हीं की है। एंड मजाक से हटके भाई, इनका जो मेंशन है ये बहुत ज्यादा महंगा है। कितनी की प्रॉपर्टी होगी भाई आपकी? भाई गिना नहीं है, थक जाऊंगा इतना तो गिनते गिनते, लेकिन जो मेरा है वो भाई आपका है। जब तक हमारे मेहमान हो आप, अरे कोई थैंक यार, टेंशन थैंक्स नहीं है। थैंक्स अ लॉट मेरे भाई। बाकी यार ये हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं, इनके साथ हमारा लाइक ट्रेडिंग चलते रहता है यू नो। बाकी चलो यार, आज लेजी भाई आने वाले हैं, आपको पता है ना जेम्स भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉल आया था मेरे को उनका ना। हाँ, चलो मिल के आते हैं, चलो ओके चलते हैं, अच्छा आ जाओ। सो वेल यार, अभी लेजी वगैरह से मिलना है यार। इतने दिन तक उन्होंने मुझे अंडरग्राउंड रखा हुआ था इस आइलैंड पे, तो मुझे यहाँ से निकलना है भाई। मैं कितना दिन तक यहाँ सड़ते रहूंगा यार? मुझे भी अपना काम वगैरह स्टार्ट करना है, पैसे कमाने हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को याद होगा, मुझे जेल से निकालने के लिए लेजी आर्मी को टोटल $20 मिलियन देने पड़े थे, ठीक है? जो कि अभी इन लोगों ने दिया नहीं है भाई। इन लोगों ने बस बोला था कि इनके पास $20 मिलियन है। एंड अब मुझे पता चल रहा है, लेजी ने बताया इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है भाई। और वी हैव टू प्रिपेयर समथिंग, अपने को पैसे की जरूरत है ताकि यार वो मेरा इन्फॉर्मेशन लीक ना कर दे, ठीक है? अगर उसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया, उसका नाम क्या था यार, मैं नाम भूल गया वो मीडिएटर का यार। वही बीस्ट माफिया था ना उसका अपना। बीस्ट, ओ हाँ बीस्ट, बीस्ट यार आप लोगों को याद होगा, बीस्ट ने ये जुगाड़ लगाया था, $20 मिलियन उसने मांगे थे। तो उसे हमें देना है ताकि वो पुलिस को हमारे बारे में ना बताए, और जैसे की डील हुई थी वैसा हमें करना है। तो अरे फिलहाल लेजी वगैरह आते होंगे, मैंने तो क्या बोला था लेजी भाई को ना कि मैं दे दूंगा अपनी तरफ से, लेकिन लेजी भाई कहते नहीं भाई, जो बात है वो हम करेंगे, और खुद ही वो अपना कमा के ना कह रहे कि हम खुद ही देंगे। अब वही सीन है, अब ये फंस रहे हैं, अब क्या करेंगे आगे? ऐसा है क्या? ओ ये कौन है यार, हमारे गैंग वाले क्या इन लोग? बात करेंगे यहाँ, गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं आपके आपके उन लोग है क्या आपके? हाँ ये तो अपना ही बंदा है, अपना बंदा है, नो टेंशन। ओ आपका ही बंदा है क्या? यार क्या करते हो भाई, इतनी सारी डिफेंडर है यहाँ पे, डिफेंडर का शौक है क्या आपको भाई? अरे नहीं, वो यहाँ पे जो रोड देख रहे हो ना ऑफ रोड, तो उसमें डिफेंडर ही काफी बेस्ट रहती है, समझ रहे हो? सही है यार। बाकी चलो खैर चलते हैं भाई, लेजी वगैरह किसी भी वक्त आते होंगे। उन्होंने मुझे बस इतना बताया था कि डेट्रेक्स आज तुझसे मिल लेंगे यार, इतना दिन से मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड हो रखा था। बाकी चलो खैर इंतजार करते हैं उनके आने का। आ गए शायद, आ गए। हाँ आ गए यार, पहुंच रहे लेजी भाई यार, लेजी भाई यार फाइनली। कैसे लेजी भाई? बहुत लंबा सफर था। इसे इसे ले लो, पहले इसे ले लो। मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार, आप कैसे हो यार? भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ, और तुम्हारी हालत कैसी भाई इतनी जेल में रहने के बाद? जेम्स ने ख्याल तो रखा ना? भाई जेम्स ने लिटरली पूरा ख्याल रखा है, देख रहे हो जेल वाले लुक से किस लुक पे आ गया हूँ मैं, गैंगस्टर भाई। भाई क्या कपड़े पहने भाई, भाई। बाकी तुम इसको क्यों साथ लेके आए हो? भाई इसको तो लाना ही था यार, इसी के चक्कर में तो पड़े हैं। ये कौन है? आईकारो, पहचान रहा है ना मुझे, कौन हूँ मैं? हाँ पहचान रहा हूँ भाई। अभी अपने को भाई 20 मिलियन चुकाना है, 20 का वो पीछे पड़ा हुआ है भाई इतने दिनों से। यार ऊपर से मैं जेल गया, फोकट फालतू 20 मिलियन का भी कर्जा पड़ा है इसकी वजह से। मैं तो बोलता हूँ दफना देते हैं यहाँ पे। इसकी वजह से ही है। बहुत आया भाई। पार्थ भाई क्या कर रहा है इसको बताओ? भाई मैं क्या सोच रहा हूँ? देखो रो रहा है भाई, जब 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 मेरे को दिक्कत होती है मेरे को पहचाने आता है, सगा जो है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे मारते नहीं अपन, इससे ना पैसे वसूल कर लेते हैं, 20 मिलियन खत्म। मैं तो बोलता हूँ इसकी किडनी बेच करके ना भाई, जो पैसे मिलेंगे उसी को कर लेते हैं। अरे बाप रे, ये भी ठीक है, 20 की तरह फोन वगैरह नहीं आ रहा क्या उसका? अरे 20 मिलियन के लिए डेली 20 बार फोन कर रहा है, मैं क्या बताऊं यार। ये देखो उसका फोन आ गया यार, उठा उठा स्पीकर पे डाल दो, स्पीकर पे स्पीकर पे रखना। हां ठीक है, हेलो हेलो बीस भाई आवाज आ रही है? हां हां भाई आवाज आ रही है भाई। क्या भाई पार्थ भाई, इतना देर लगाया क्या भाई पैसा देने का 20 मिलियन? अरे भाई 20 मिलियन बहुत होते हैं मेरे यार, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं यार फुल। तो मेरे एटीएम पे चोरी हो गई थी भाई, पैसे इकट्ठा हो रहे, थोड़ी दिन इंतजार कर ले मेरे भाई। अबे यार भाई तू जो भी करेगा करे, तेरा पास बस 24 घंटा है, तू उसमें 20 मिलियन मेरे को देना ही पड़ेगा भाई। 24 घंटे में किधर से लाऊंगा यार, 5 मिलियन बस है मेरे पास अभी इकट्ठा हुआ है, वो भी बहुत मुश्किल से।
भाई मेरे को भाई तूने जो बोला एकदम से मैं कर दिया ना सब कुछ भाई, इतना मुश्किल है। कब तक चाहिए आप बता दो? 24 hours में मेरे को चाहिए। अरे यार भाई 24 घंटे में कहाँ से लाएंगे? वही तो 20 मिलियन कहाँ से आएगा भाई, पागल हो गया क्या भाई? स्टार्टिंग डील वक्त ही हुआ था ना, पार्क भाई से पूछो। कोशिश करते हैं जिंदा रख के कोई फायदा नहीं है, इसने जितना नुकसान करवाया ना, मैं तो मन कर रहा है मार दूं इसको। मार देते हैं भाई से, मैं तो बोलता हूं लपका देते हैं भाई। जेम्स के मेरे पास एक प्लान है, आपका एक मेगा बैंक है सिटी में, उस पे 8 ट्रक निकालने वाले हैं 5-5 मिलियन के, आप वो सब लूट लो। 8 ट्रक तेरे पैसे होंगे टोटल? इसलिए मेरे को कैलकुलेशन तो नहीं है, पर 8 ट्रक निकालने वाले हैं 5-5 मिलियन के। ये सच बोल रहे ना? हाँ ये इन्फॉर्मेशन पक्की है ना? आई अगर गलत हुई ना तो ये जो पानी देख रहा है ना, ये पानी और तू बराबर हो जाएंगे ठीक है भाई। इसमें दफना दूंगा, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया इस भाई। अगर ये 8 में से हम सिर्फ 4 भी लूट रहे ना, हमारा 20 मिलियन का बिल पूरा हो जाएगा यार। मुझे इकारो सोच ले, भरोसा नहीं है यार, इसने पहले भी मुझे धोखा दिया था लेजी भाई, अब क्या करना है बताओ। इकारो तू बता, मैं तेरी बात पे क्यों विश्वास करूं? लेजी भाई आपके साथ इतने साल रहा हूं मैं, आप तो विश्वास कर लो कम से कम। चलो ठीक है, इकारो बात का मान रख लो। एक चीज है भाई जेम्स भाई, एक काम करो ठीक है भाई, यार कॉफी पीना बंद करो भाई पहले यार। देखो जेम्स भाई, तुम्हें कबर खोद के रखनी है ठीक है यहाँ पे, अगर इसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया सीधा डालना, सीधा निपटाना भाई, सोचने का बात ही नहीं है ठीक है। हम लोग आपको कॉल करेंगे, उसकी कोई टेंशन मत लो भाई, ये मेरे अंडर में रहेगा। चलो ठीक है, प्लान पे काम करना पड़ेगा, 24 घंटा बहुत कम है ब्रो। आज हम इनके मेंशन पे चलते हैं, हम लोग बढ़िया डिफेंडर में आए हुए हैं। अच्छा ठीक है यार, गाड़ी तो मस्त है यार, यार भाई जेम्स भाई के पास बोर्ड गाड़ी है, कितनी बढ़िया है यार भाई। जेम्स का पता है सबसे बेस्ट चीज भाई, इसके पास इतनी सारी डिफेंडर्स है ना। ओके भाई, मतलब डिफेंडर ही डिफेंडर है भाई। वाह भाई, डोरेमोन की पॉकेट लेके घूमते हो क्या जेम्स भाई? भाई चाहिए हो तो बता देना, आपके सिटी पे पहुंचवा दूंगा फेम हाउस पे। ओके बिल्कुल भाई, मुझे चाहिए भाई एक। मैंने वैसे भी लेजी भाई को बोल रखा है गाड़ी के लिए, वो मेरे को एक गाड़ी गिफ्ट करेंगे, मैं उनको करूंगा ठीक है। चलो ठीक है भाई, इतना तो बनता है यार, ये सब चीजें तो ठीक है। उसका क्या होगा कि लाइक ट्रक तो मिल जाएंगे ठीक है, लेकिन ट्रक को इतनी लगा सोचो, अगर $5 मिलियन अगर एक ट्रक पे जा रही है ठीक है, तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी ना वो ट्रक पे। 5 मिलियन बहुत होते हैं भाई, वो 2-3 बैंक में डिस्ट्रीब्यूट होगा इजिली यार। वो लोग ना मुझे लगता है अगर हम सरप्राइज अटैक करेंगे ना तो वो लोग हो सकते हैं। देखो यूजुअली क्या होता है कि सिटी में ना जो मेन बैंक होता है वहाँ से ये ना हर महीने ये सारे ट्रक्स निकलते हैं और कैश लेकर जाते हैं सभी दूसरे छोटे छोटे बैंक्स में रिफिल करने के लिए। तो ये निकलते तो एक साथ है जिसमें पुलिस का बहुत बड़ा कॉन्वॉय होता है, लेकिन फिर ये अलग अलग हो जाते हैं और इसमें एक ट्रक के साथ मेरे हिसाब से एक या दो ही पुलिस वाले होते होंगे जो कि इनको गार्ड करते होंगे। तो मुझे लग रहा है अगर हम डिवाइड हो जाएं और ऐसे एक एक करके ट्रक्स को। हेलो जेम्स, कैसे हो भाई? हाँ बढ़िया बढ़िया, क्या हुआ भाई? यार मैं बोल रहा था जो ट्रक लूटने जा रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे अगर तुम फ्री हो तो? ट्रक लूटने के लिए? हाँ, बट ये अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ये इकारो का क्या होगा, क्योंकि ये इकारो को तो यहाँ छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते ना। अरे अपने बंदे हैं उसकी, नो टेंशन, यहाँ से भाई मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता, जब तक मैं नहीं दूंगा परमिशन कोई यहाँ से ना निकल सकता है ना आ सकता है उसकी। अच्छा मतलब तुम जा सकते हो मेरे साथ ना बैंक लूटने? एक डील दी यार मेरी ना वेपन की, मैं उसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वेपन आने वाले थे, लेजी भाई का ऑर्डर था ना तो चल रहा था पहले से उनसे वेपन डील का, तो मैं कैंसिल करके फिर आपके साथ चलते हैं और देखते हैं भाई चुराते कितना पैसा मिलता है। चलो ठीक है, लेकिन देखो सुनो बात सुनो भाई, अगर साथ में चुराऊंगा तो मेरे को कुछ परसेंट। हाँ बिल्कुल 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 मिलेगा भाई, डोंट वरी यार, परसेंट का चिंता मत करो भाई। डेट ट्रैक्स के साथ चोरी करने जा रहे हो, परसेंट नहीं मिलेगा ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि भाई अब साथ में पार्टनरशिप है बिजनेस में तो इतना तो चलता है ना। हाँ डेफिनेटली यार, कोई इशू नहीं है। ओके ओके भाई, तो डिस्कस कर ले फिर कैसे ट्रक चुराना है। हाँ बताओ फिर क्या प्लान है आपका। देखो जेम्स भाई, मेरे पास एक सिंपल सा आइडिया है, ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोच रहा, मेरे पास एक सिंपल सा प्लान है यार। जो ट्रक में पैसे जा रहे हैं ना, वो ट्रक वो भी ड्राइवर होगा
मैं तो बोलता हूँ उसी के घर चलते हैं, उसी को मार पीट करके उसके लाइक जो भी उसका आईडी कार्ड वगैरह ले लेते हैं, एंड उसके कपड़े पहन करके वो जो ट्रक चलाने वाला है वो ट्रक को हम ही लोग ही लेके जाएंगे, जिससे पुलिस को भी शक नहीं होने वाला, उन्हें लगेगा कि हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, एंड यू नो ना कि हम लोग इजीली पैसे लेकर के भाग जाएंगे। क्या बोलते हो यार, कैसा लगा प्लान? प्लान तो बढ़िया है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई बीच में उसको संभालना पड़ेगा बस। तुम चिंता मत करो यार, तुम्हारे पास गन्स है क्या यहाँ पे? अरे आप टेंशन मत लो, पूरा है अपना गन्स वगैरह जो भी है, मैं बंदे पहले से ना रेडी रखूंगा, अगर कोई हमारे पास कोई भी गलत सीन हुआ तो बंदे पहले से रेडी रहेंगे हमें बचाने के लिए। ओके ठीक है, चलो ठीक। बैकअप प्लान भी बहुत जरूरी है गाइस, अगर क्या बता भाई, बहुत सारे 12 मुल्कों की पुलिस आ जा रही है, मैं बस जा रहा हूँ, पूरे लॉस सैंटोस की भी पुलिस आ सकती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता यार जेम्स भाई, अगर इतने सारे पैसे शहर में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जैसा लाइक इकारो ने बताया, तो हो सकता है हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाए, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यार मैं क्या बोलता हूँ जेम्स भाई, देखो तुम एक काम करो, तुम निकालो गाड़ियाँ, ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ वो ट्रक जाने वाली है किस रूट से, एंड उस ट्रक को कौन ऑफिसर्स चलाने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, तुम गाड़ियों का इंतजाम करो, मैं चलता हूँ, ठीक है? उसका बस एक कॉल करना हो जाएगा। चलो ठीक है, तुम देख लेना। हाँ लेजी भाई, क्या हाल चाल, कहाँ मिलेगी ट्रक्स का? देखो मेज बैंक टावर पे ना सारे ट्रक्स जो है वहीं से निकलते हैं। अच्छा वहीं पे हमें ट्रक्स मिलेंगी, तो ठीक है। हाँ। फिर कैसे जाएंगे यहाँ से, बोट पे? हेलीस का इंतजाम हो रहा है वहाँ पे, तो सीधा निकलेंगे अभी तो। ओह हेलीकॉप्टर भाई, लेट्स गो यार, चलो चलते हैं, विराज आ यार, चलो चलो चलो, लेट्स गो। यार हमें ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा उन ट्रक्स का कंट्रोल लेने का, या तो ये कर सकते हो कि यार पुलिस को मार दो, अलग अलग हो जाएंगे, मैं उनके घर जाकर के उन्हें मार करके उनके कपड़े वगैरह ले लूंगा, सोचा उनके आईडी कार्ड वगैरह। अरे भाई तुम्हें दिख रहा है, मुझे वहाँ पे गाड़ियाँ तो दिख रही हैं, नीचे खड़ी हैं, दिख रहे पुलिस वाले, कुछ दिख रहा है? हाँ यार दो गाड़ियाँ हैं। खैर भाई अभी हम लोगों को गाड़ी ढूंढना है एंड सीधा जाना है गार्ड के यहाँ, ठीक है, बट यार गार्ड का तो अभी पता है नहीं, बट एनीवेज गाड़ी ढूंढना चालू करो भाई, यहाँ पे पार्किंग लॉट पे कहीं ना कहीं गाड़ी तुम्हें मिल ही जाएगा। अरे ये खड़ी ना, ये रही यहाँ पे खड़ी। हाँ यार मिल गई भाई गाड़ी, आते साथ ही मिल गई भाई। अरे भाई लेकिन टूटी फूटी है थोड़ी, चलेगी ये? क्या पता, शायद चल भी जाए, ट्राई करके देखो, शायद चल जाएगी, मैं बैठ के देखता हूँ। ओके ओके ओके, ओ रुको मुझे कॉल आ रहा है, शायद कोई कॉल कर रहा है, एक सेकंड। ओ ये तो लेजी का कॉल आ रहा है यार, लेजी भाई बात करो। हाँ ये चल रही है भाई जेम्स, गाड़ी में तो घंटा कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन जो इसकी हालत है ना, मेरे को लग नहीं रहा हम पहुंच पाएंगे लोकेशन तक। हाँ पूरा धुआं निकल रहा है गाड़ी से यार, आई गेस गाड़ी की बहुत ज्यादा भजी। ओके पीछे बहुत बड़ा डैमेज है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है शायद, इसलिए शायद गाड़ी को छोड़ के कोई गया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या कर सकते भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलो क्या यार, अभी तो माला माल होने वाले भाई दोनों। अगर एक्स्ट्रा, ओ यहाँ पे कोई फिल्म स्टार आया क्या भाई, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, आई मीन लाइक ये जगह हो सकता है शायद शो वगैरह हो रहा है यहाँ पे कोई। हाँ यार हो सकता है, क्या बता बताओ, जाना हो तो बताना, मैं टिकट मंगवा दूंगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो यार यार अभी फटाफट से ऑफिसर्स के घर चलते हैं जो उस पैसे वाले ट्रक को चलाने वाले हैं, एंड उनको जा करके किडनैप करते हैं। जेम्स भाई यही वो बिल्डिंग लग रहा है जहाँ पे लेजी भाई ने बताया था, ये उसी का घर लग रहा है। आई मीन लाइक खाली क्यों है, लेकिन आई डोंट नो यार, वो शायद चला गया होगा, मे बी आई डोंट नो, इतना बड़ा टीवी भाई इसके घर में। ओए ऑफिसर कोई है क्या, बाहर निकल, नशे वगैरह भी करता है। नहीं नहीं हल्ला मत करो यार जेम्स, हल्ला मत करो, चुपचाप निपटाते हैं, ठीक है। आई गेस बाथरूम में कोई है, इधर बाथरूम है। ओके ओए ओए ये कौन है भाई, हेलो कौन है भाई, नाच रहा बंद कर भाई। अरे भाई तू कौन है, बट मुझे ये बता वो जो पैसे वाली ट्रक जाने वाली है उसे तू लेके जाने वाला है क्या? हाँ पर तू कौन है भाई, वो पूछ रहे। चुपचाप बहुत हो गया डेट्रेक्स भाई, एक काम खत्म भाई, ज्यादा बात कर रहा है, इतनी बात नहीं करते। Let's go, ये तो गया अंदर, और एक और बंदा होगा, लेजी ने बताया था दो बंदे हैं यहाँ पे, इसके कपड़े तुम ले लो। देखो मैं, हाँ मैं इसके कपड़े लेकर, इसके कपड़े ले लो और आईडी कार्ड वगैरह देख लेना इसके रूम में, ठीक है? ओके ओके सब ले, बाकी मैं अगला बंदा।
जेम्स तो यहीं है। अरे भाई मिल गए मेरे को कपड़े उस बंदे के, आपको मिल गया ना सब? मेरे को भी सब मिल गया, देख रहे हो मस्त लग रहा हूँ ना एकदम भाई, हैंडसम लग रहे हो। चलो यार आईडी कार्ड मिला ना तुम्हें उसका? हाँ हाँ ओके सब मिल गया। चलो यार भाई अब फटाफट से चलते हैं। और यार अब हम लोगों को जा करके बस भाई ट्रक लूटना है। और यार उस बंदे ने बताया था कि भाई पैसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है लाइक ज्यादा आ रहे हैं। हाँ वो ट्रक में पांच, जैसे लेजी इकारो ने बताया था $5 मिलियन आ रहे हैं, लेकिन $5 मिलियन नहीं आ रहे, टोटल उससे ज्यादा पैसे आ रहे हैं। तो कह सकते हो हम अपने जेब में भी कुछ पैसे एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। बाकी चलो खैर आउटसाइड चलते हैं, लेट्स गो। पूरा कॉन्फिडेंस में रहेंगे ना, दिक्कत? हाँ डरने की बात ही नहीं है यार, निपटाते हैं देखते हैं। चलो भाई हम लोग यहाँ पे रेडी है, जेम्स और मैं, लग रहे हैं ना भाई जेम्स पूरे हम लोग यार। तो एकदम पक्का लग रहे हैं भाई, ये समझ भी नहीं पाएंगे कि है कौन ये, इसलिए निकली है। लेट्स गो भाई, पूरा बैंक लूट के जाएंगे, लेट्स गो। आ जाओ यार। अरे भाई ऑफिसर्स वगैरह सारे आ गए गाइस, देख सकते हो यार आप। हेलो ऑफिसर, क्या सीन है? हेलो, अच्छा आज तुम दोनों का ड्यूटी लगा? हाँ आज हमारा ड्यूटी लगा है। पहले तो तुम दोनों को तो मैंने कभी देखा नहीं यहाँ पे काम करते। अरे अभी नए लगे हैं यार, अभी नए जॉब हुआ है क्या जेम्स, बता रहा है यार। भाई देखो हमारी अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, आप चाहे अपने हेड ऑफिसर से बात कर सकते हो, उन्हें कॉल वगैरह कर लो, क्या है और क्या। ठीक है चलो, अपने अगर बोल ही दिया, हेड ऑफिसर का नाम ही ले लिया आपने, तो कोई जरूरत नहीं है। तो चलो ठीक है भाई, जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने, ठीक है तो बैठ जाए हम लोग। चलो ठीक है फिर आ जाओ, चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो। आ जाओ यार ट्रक हम लोग चलाएंगे, जेम्स तू गाड़ी में बैठ, सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। चलो खैर, चलो भाई मैं बैठ चुका हूँ एंड चलते हैं सीधा इन लोगों को गुमराह करने। भाई जेम्स तू रेडी है ना? तुझे पता है ना कहाँ जाना है? यस 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 आई नो। ओके गाइस मैं आपको बता दूं, हम लोग अभी अपने एक सीक्रेट बेस में जाने वाले हैं, जहाँ पे इन दोनों इन तीनों पुलिस का काम तमाम करना है हमें। चलो खैर निकलते हैं जेम्स फटाक से। अरे ये बढ़िया बढ़िया, चलो आ जाओ, लेट्स गो, इजी जेम्स। यार ये तीन है और हम सिर्फ दो हैं, तो और ये कमांडोज हैं, ठीक है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर गलती की तो हो सकता है अपनी जान भी जा सकती है, ठीक है। प्लान बनाया है ना, अगर बिल्कुल वैसा ही हुआ ना आज परफेक्टली हो जाएगी अपनी जो चोरी, भाई पैसे भी मिल जाएंगे। और चलो चलो खैर, बड़ा काफिला चल रहा है गाइस। अभी यार प्लान भी थोड़ा आप लोगों को अजीब लगेगा, मेरा सिंपल सा प्लान है कि हम लोग इसे इन लोगों को अभी यार चाय के बहाने से रोकेंगे एंड वो अपना एक सीक्रेट बेस है जहाँ पे अपने कुछ पैसे पड़े हुए हैं और साथ ही साथ वहाँ पे एक बेसमेंट है जहाँ पे मैंने सोचा है। जेम्स क्या बोलता है, वही बेसमेंट में इन लोगों को बंद कर देंगे, क्या बोलते हो? परफेक्ट है, परफेक्ट है, वहाँ पे ना पता भी नहीं चलेगा और जब तक पता चलेगा तब तक हमारा काम भी हो चुका होगा और किसी को शक भी नहीं होगा भाई, और लाइक कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे भी हम लोग आए हुए थे यार। चलो खैर चुके, पूछो पूछो आप, पूछो मैं पूछ रहा हूँ ऑफिसर, आपको चाय वाय पीना है क्या, प्यास वगैरह लगा है क्या? हाँ लगा तो है। ओके चलो आ जाओ यहाँ पे पास ही में, लाइक कॉफी वगैरह मिल जाएगा आपको, कोल्ड कॉफी यहाँ पे, ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है। मैंने आ जाओ, अपने कमांडोस को ही बोल दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जगह है, मेरे तरफ से ट्रीट हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, सब आ जाओ अंदर, आ जाओ सब आ जाओ। यार जेम्स इन लोग को बर्गर खिलाएंगे और वो बेसमेंट का रास्ता पता है ना तुझे, पीछे तरफ से जाता है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, वो लोग क्यों नहीं आ रहे, वो लोग कर क्या रहे हैं, डर रहे हैं क्या? आ जाओ एक काम करो ऑफिसर, आप एक काम करो, एक जन को बाहर ही रख लो और बाकी दो अंदर आ जाओ, क्योंकि ट्रक की निगरानी भी हो जाएगी। स्वीट जस्ट यहाँ पे तुम खड़े रहो, उसके बाद ब्लेसिंग तुम मेरे साथ आओ। चलो आ जाओ, क्या खाओगे ऑफिसर बताओ, बर्गर या चीज? चलो आ जाओ स्पेशल बर्गर खिलाऊंगा आप लोगों को। चलो चलो अंदर चलो, क्या खाओगे बताओ? यहाँ पे यही है किचन हम लोग, हाँ यहाँ पे टाकोस वगैरह मिलता है, बट ये सब क्या खाओगे ऑफिसर, इससे भी टेस्ट से चीज खिलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक सीक्रेट रूम है, आई मीन लाइक हम लोग ऑफिसर वगैरह के लिए कह सकते हो, तो आ जाओ आपको दिखाता हूँ। देखो गड़बड़ नहीं लग रहा है? नहीं सब ठीक है यार, ना सब ठीक है ऑफिसर, आप नीचे एक बार किचन देख के आ जाओ। नहीं नहीं ये किचन तो नहीं लग रहा है। ओ आप गलत रूम में घुस गए, ऊपर आओ ऊपर आओ, मैं बताता हूँ कहाँ है किचन। एक तो क्या दूसरा ओके लेट्स गो, दोनों मर गए, दोनों मर गए, बोल के आता हूं ओके उसको बोलूंगा कि दोस्त बुला रहे हैं, वो बंदे बुला रहे हैं। इतना इंस्टेंट मत जाओ, रुको उसको पता तो नहीं चला ना, पहले चेक कर लो। नहीं नहीं रुको मैं गन अंदर रख ले, पता चला वो, परफेक्ट एक बार देख लो, क्या पता भाई पता चल गया हो तो दिक्कत ना हो जाएगी। साइड में छोड़ रहा हूं मैं, देख उसको बुला लो, मैं गन लेके रेडी हूं, ठीक है। वैसे वो आ ही रहा है लग रहा है। हेलो हेलो आवाज आ रही है ब्रदर, ब्रदर सुनो आप ना अंदर जाओ, आप खा लो इतने बर्गर वगैरह।
के जेम्स, हेलो जेम्स, हेलो 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 हेलो, मैंने निपटा दिया भाई, तीनों को मार दिया मैंने। अरे बहुत बढ़िया भाई, चलो चलो लेके निकलते हैं ट्रक, लेट्स गो भाई, फटाफट निकलते हैं। और ये पुलिस की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां छोड़ो ना, हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो ट्रक चाहिए। बट यार थोड़ा बहुत तो सस होगा, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अपने को पैसे चुराना था। और ये जगह कभी क्या ही करेंगे, $20 million जो मिल जाएंगे अपने को, और क्या भाई, ऐसी जगह 10 बार खरीद लेंगे, 10 खोल लेंगे, क्या बोलते, तुम्हारे कायो पेरी कोई वही खोल लेंगे बर्गर, अपना पर्सनल भाई मैकडी खोल लेंगे, बताओ मेरे, फिर वहाँ पे गैंगस्टर जो हैं साथ के सब खाए करेंगे सब के लिए खोल लेंगे। और क्या, बाकी चलो खैर फटाफट से लेजी को कॉल करता हूँ मैं गाइस, एंड चलते हैं जहाँ पे लेजी ने बुलाया है, ठीक है। कोई उसने टनल वगैरह पे बुलाया है और उन लोगों ने अभी तक पैसा कलेक्ट किया कि नहीं वो पता करते हैं, ठीक है। बाकी यार मैं कहाँ रोड पे रुका हुआ हूँ भाई, इतने सारे पैसों वाली गाड़ियाँ लेकर गया, कहीं पे छुपाते हैं, ठीक है। अरे एक काम करो, मेरे को तो ड्राइव, मेरे को पता है वो कहाँ पे है ना। अच्छा ओके, फिलहाल यहाँ पे रखते हैं, मैं तो बोलता हूँ एक बार लेजी से बात कर लेते हैं, बेटर रहेगा यार। लेजी के बताए हुए लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, एंड ये वही पुराना टूटा ब्रिज का गुफा है, आई मीन माइन है ये, काइंड ऑफ कह सकते हो। एंड देख रहे हो जेम्स भाई कहाँ घुस रहे हम लोग, खतरनाक सी जगह नहीं लग रही है ये, इजी भाई गाड़ी ना फंस जाए यहाँ पे भाई, भाई भाई आराम से ब्रो, अरे नो टेंशन, हैवी ड्राइवर, लेट्स गो भाई। मुझे लग रहा है यार लेजी लोग आएंगे नहीं, कॉल में क्या बताया लेजी ने, पहुंच गए उन लोग, पता नहीं, देखते हैं अंदर चल के कॉल करते हैं शायद। ओ आ गया यार, आई गेस लेजी आ गया, पहली खड़ी वो तो, हाँ पार तभी नहीं आया शायद, मिलते हैं अभी यहाँ से। ऑलराइट यार, दो गाड़ी पूरे पैसे से भरी हुई हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं यार, क्या हाल चाल लेजी? मैं तो बढ़िया है, तुम अंडरकवर बन के आए हो क्या पुलिस वाले? अरे नहीं यार, मैंने लाइक हम लोगों ने उसके कपड़े चुरा लिए भाई, जो ये गाड़ी चलाने वाला था भाई, हमने उनको बर्गर के बहाने गोलियां खिला दी और उनकी भाई बेसमेंट दिखाने ले गए थे, स्वर्ग के दर्शन करा दिए उनके भाई, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। बाकी पार्थ कहाँ रह गया, पार्थ अभी तक आया नहीं है, पता नहीं यार, मैं तो तुम्हें आवाज आ रही, अरे अरे भैया हाजिर भाई, हेलो, अरे भाई चलो भाई, भाई भाई देख रहे हो लेजी भाई, तीन ट्रक पैसों की भाई, तीन भाई ट्रक पूरे पैसों से लदे हुए ट्रक हैं, अरे पैसा उड़ाया जा रहा है, देख रहे हो यार जेम्स भाई, पैसे मत उड़ाओ अभी तो दे रहे हैं अभी इसको भाई, अब तो मजा आएगा, अरे नहीं भाई इतना सारा पैसा आ गया अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पैसे अभी भी टपक रहे हैं भाई माला मालो जे रहे हम तो जेम्स भाई, दो चार गड्डी जेब में डाल ली थी क्या मुंह से गिल रहा था भाई चलो खैर यार, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस ज्यादा ही पैसे हैं हमारे पास, अगर बीस्ट को देने के बाद भी अगर कुछ पैसे बटते हैं तो हम लोग बांट लेंगे आपस में, बिल्कुल, और उसका एक बड़ा हिस्सा जाएगा भाई जेम्स भाई को, क्योंकि जितनी हेल्प इन्होंने करी है ना यार, किसी ने भी नहीं यार, लिटरली मैंने इन्हें मना ही लिया भाई हमारे साथ आने के लिए यार, भाई बड़े बिजी रहते हैं भाई, देखो आप सब भाई हो, जब बोलोगे तब आएंगे जेम्स भाई का ऑरा बना रहे हम लोग यहाँ पे चलो खैर यार, अब भाई अब बीस्ट का कॉल नहीं आया क्या दोबारा से, फोन तो नहीं आया बट अभी फोन करूँ मैं उन्हें, हाँ फोन करके पूछ लो, पैसों का जुगाड़ हो गया, लाना कहाँ है, ठीक है मैं फटाफट से फोन लाना चाहिए, स्पीकर पे डालता हूँ, हाँ डालो डालो स्पीकर पे डालो, हेलो हेलो बीस्ट भाई आवाज आ रही है, हाँ भाई आवाज आ रहा है भाई, बोलो पैसे का हाल है, अरे पूरे एकदम पैसा रेडी है भाई, 20 के 20 मिलियन हमारे पास, छोड़ो हाल वाले सब छोड़ो, मेरे को बस पैसा चाहिए भाई अभी अर्जेंट, लोकेशन बता दो देंगे भाई, पैसे लोकेशन बताओ बस, अच्छा चलो मैं आपको फोन पे जीपे सेंड कर देता हूँ, मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ कुछ काम से गया था तो अभी आ जाऊँ मैं, भाई तीन ट्रक भर के पैसे हैं भाई कैसे काउंटिंग मशीन है ना आपके पास, हाँ हाँ सब है बस, सब लगा है भाई सब पूरा सेटअप, ठीक है भाई बैठ जाना दो तीन दिन अभी भाई, चलो खैर यार लेजी मुझे लगता है हमें बैकअप भी रखना चाहिए, अगर कुछ इतने सारे पैसे लेके जा रहे हैं तो समझ रहे हो ना, अरे बैकअप के लिए मैं हूँ ना, उसकी टेंशन मत लो भाई, तू अकेला क्या कर लेगा यार अरे लेजी भाई को पता है, अरे भाई कायो पेरिको आइलैंड नहीं है ब्रो बंद हवा में सिगरेट फूंक रहा है भाई, और क्या चाहिए अरे यार वो भी बिना जलाया भाई, डायरेक्ट खत्म भी नहीं हो रहा बताओ इनफिनिट चलो यार क्या यार, चले भाई लेके, टोटल कितने हो रहे हैं पैसे, 20 मिलियन से ज्यादा हो रहे हैं यार, पीछे वाले रास्ते से चलते हैं, रुको मैं आगे चलता हूँ, मेरे पीछे पीछे आना तुम, ओके ठीक है चलो भाई सीधा एयरपोर्ट निकलते हैं, जेम्स भाई चलो, जेम्स एक काम करो तुम ये ट्रक को तुम यहाँ पे रखे रहो ठीक है, एक ट्रक को, बाकी मैं मैं पार्थ और लेजी जा रहे ठीक है, आ जाओ पार्थ बैठ, चलो ठीक ध्यान रखना भाई पैसों का, लेके भाग मत जाना यार, अरे नो टेंशन भाई